हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार महतो और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ तमाड़ विद्रोह के इतिहास के बारे में। तो अब वीडियो का अंत तक में बने रहिए, आप लोग को पूरी जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगी तमाड़ विद्रोह के इतिहास के बारे में। आप लोगों को बता दें कि तमाड़ विद्रोह जो कि 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला। तो बता दें कि छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा गया। कंपनी के बाहरी लोगों को साथ देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह के मूल कारण थे। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से रिस थे। कंपनी की नीतियों ने यहां बाहरी लोगों के आने और उनके सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रस्त किया। दूसरी ओर वे छोटा नागपुर के खास नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। 1782 ईस्वी में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोही इकट्ठा होने लगे। वे व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। नागवंशी शासक ने विद्रोही को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। इससे विद्रोह और भी भड़क उठा। 1783 ईस्वी में विद्रोहियों को कुछ जमींदार का भी साथ मिल गया। अंततः मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने दिसंबर 1783 ईस्वी में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों की आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही। 1789 में तमाड़ पुनः विद्रोह भड़क उठा। विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। कैप्टन होगन की विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विद्रोहियों की दमन कर दिया। तमाड़ अगले 4 वर्षों तक फिर शांत रहा। फिर नवंबर 1794 में तमाड़ में विद्रोह फिर भड़क उठा, जिसे दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब राजा और उसके सैनिक सोना हाथों गए तो उन पर गांव वालों ने आक्रमण कर दिया। कैप्टन बी बेन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया गया। 1796 में इस विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू वे राय के सभी आदिवासी तथा जमींदार इसमें कूद पड़े। तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता रामशाही मुंडा एवं उसका भतीजा ठाकुर दास मुंडा आदि विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे। राय के नरेंद्र शाही के रिश्तेदार मार डाले गए, लेकिन स्वयं नरेंद्र शाही भागने में सफल हो गए। अप्रैल 1798 में कैप्टन लीमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल हुआ। विद्रोहियों में सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बेन ने गिरफ्तार किया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तमाड़ विद्रोह स्वतः बिखर गया। 1807 ईस्वी में 5000 मुंडाओं ने दुखनशाही मुंडा के नेतृत्व में फिर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह ने भी विकराल रूप ले लिया, लेकिन मार्च 1808 में दुखनशाही मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और विद्रोह मंद पड़ गया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। 1810 ईस्वी में यह विद्रोह फिर भड़क उठा। विद्रोह का प्रमुख केंद्र नवागढ़ था, जहाँ के जागीरदार बख्तर शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक
गोविंदनाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल की विद्रोह के दमन के लिए भेजा। एच ओडोनेल ने 28 मार्च 1812 को नवागढ़ पर हमला किया, किंतु बख्तर शाह सरगुजा भागने में सफल रहा। बख्तर शाह का पलायन के साथ ही विद्रोह शांत हो गया। अगस्त 1819 में तमाड़ में विद्रोह की चिंगारी फिर बढ़की। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम है दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, भद्रा मुंडा, टेपा मानकी, झुलकारी मुंडा, रतनू मानकी, मुखी राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, चंदन सिंह, घुंसा सरदार, शिवनाथ मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा आदि। तमाड़ के भयभीत राजा गोविंद शाही ने ईरफ्सेज से तत्काल सहायता की याचना की। ईरफ्सेज ने एजे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन किया। प्रमुख विद्रोही नेता जनवरी 1820 ईस्वी तक पकड़े जा चुके थे। सिर्फ दो प्रमुख विद्रोही नेता रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा अभी भी बचे हुए थे, सो वो भी मार्च 1821 ईस्वी तक पकड़ लिए गए। जुलाई 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा एवं मार्च 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा पकड़ा गया। इसके साथ ही तमाड़ विद्रोह का अंत हुआ। तो आई होप कि आप लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में जान गए होंगे। अगर जान गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।